नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास, राजकुट पीजी कॉलेज से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कि प्राचीन भारत को जानने की स्रोत, कि प्राचीन भारत को जानने के क्या क्या स्रोत हमारे पास में। लगभग हमने 10 दिन के अंदर एक विस्तृत चर्चा की है और वो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों को पढ़ना, कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में हमने 4 स्रोतों साहित्य स्रोतों के माध्यम से बताया कि पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा विदेशी साहित्य और चौथा पुरातत्व। इन 4 चीज़ों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त करते हैं। उस बाद में हमारा दूसरा पार्ट उत्तर जाते हो भारत की प्राकृतिक संस्कृतियाँ। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। विद्यार्थियों, ये पार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ा, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ वो का जब मनुष्य एक वानर के रूप में जी रहा था, हम आदि मनुष्य थे, आग का आविष्कार किया हमने, बिल्कुल पैदल चल रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, तो वो वाला काल है एक प्रागैतिहासिक काल। तो विद्यार्थियों, ये क्या है आपका पहला पार्ट हुआ, उसके बाद में क्या है थोड़ा एक अरुचिकार है आर्कियोलॉजी का पार्ट है, आर्कियोलॉजी भाग से प्राप्त भाग का ये एक पार्ट है, तो आप न तो समझ में आएगा नहीं आप इसमें थोड़ा बोर टाइप हो जाओगे। तो मैं सोचा कि एक दो और रोचक पार्ट पढ़ाने के बाद में फिर इसकी मैं शुरुआत करूँगा। तो ये प्रागैतिहासिक काल मैंने नहीं पढ़ा है और लगभग इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता विद्यार्थियों, बाकी ये प्रागैतिहासिक काल इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसको एक तरीके से हम एक दो पार्ट और पढ़ने के बाद में, और या फिर जैसे 1 तारीख से अपनी ऑनलाइन में ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी तो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी न कि ऑनलाइन में। आज हमारा विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता क्या है क्या नहीं है विद्यार्थियों, इसको समझो विद्यार्थियों कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले क्या होगी, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे प्राचीन भारत की है विद्यार्थियों, लगभग ये हमारा भारत है। इस भारत में लगभग विद्यार्थियों अनुमानित है 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व तक है ये सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, कि इस कालखंड में सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, उसका हम करते हैं कि लगभग है ये सिंधु घाटी ये वाला अपना भाग है, ये लगभग एक अंदाजन वाला भाग है, ये कालखंड है, इसका लगभग 15 लाख वर्ग मीटर है जो क्षेत्रफल है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। इस उत्तर से लेकर पश्चिम तक लगभग 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर का ये पीरियड है, 1600 किलोमीटर लंबी है और 1400 किलोमीटर चौड़ी है, 1400 किलोमीटर लंबी है। इस क्षेत्र में 2700 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ पर लोग रहते थे, उन लोग इतने उन्नत थे कि आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना उससे भी शानदार। आज हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छता को अपनाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि घर में लाइट बात होनी चाहिए, स्नानागार होना चाहिए, लाइट बात होनी चाहिए, लेकिन आज से मोदी तो आज 2000 में कह रहे हैं, आज से लगभग 3700 साल पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, उनके घरों में विशाल स्नानागार ये मिले, स्नानागार मिले हैं, ये लाइट बात भी मिले। आज हम कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि सफाई पर जोर दो, क्लीन इंडिया अर्थात स्वच्छ भारत के करो, लेकिन हमारे यहाँ पर है जो मौर्य मिले अर्थात जो सिंधु सभ्यता में लोग रहते थे ना उनमें मकान बनाते थे, उन मकानों में विद्यार्थियों प्रत्येक मकान में कुआं होता था और उन मकानों में है बाहर से उन मकानों के अंदर बद नाले निकलते थे और वो आगे चलते दूरतावास में होता था, हर घर में गंदा पानी निकासी नाले होते थे। तो विद्यार्थियों कहाँ पर ये थी और कहाँ, आज से लगभग 4000 साल पर जो संस्कृति हुई थी आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, एक उन्नत सभ्यता थी, उन्नत सभ्यता थी, हमारे जैसे यहाँ पर लोग हुए हैं, उन्होंने अच्छे टेक्नोलॉजी विकसित की, व्यापार वाणिज्य इन्होंने किया है, उनकी हर चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है, दुर्ग मिलते हैं, मकान मिलते हैं इनके, सब कुछ मिलते हैं। उसके बाद में क्या कारण हुआ, लगभग पुरातत्व विभाग या अधिकतर विद्वान जो कहते हैं कि अलग अलग कारण बताते हैं, कुछ कहते हैं कि ये सभ्यता है जो बाढ़ के आने से नष्ट हो गई, कुछ कहते हैं कि सूखा पड़ने से नष्ट हो गई, कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया जिससे ये सभ्यता उजड़ गई, कुछ कहते हैं कि भूकंप आने से है गई, और आज ये सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ और सिर्फ अभी खंडों या पुरावशेषों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग ईसा से 3-2000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले हमारे भारत में इस पूर्व
कुछ लोग रहते थे, एक बहुत बड़ी सभ्यता थी अर्थात उन्नत सभ्यता। इस समय इसके समकालीन है मिस्र की नीलम सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं थी। लेकिन उन्नत सबसे उन्नत सभ्यता इस सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम विद्यार्थी पढ़ते हैं कि कैसे प्रकाश ने कैसे मालूम पड़ा कि सिंधु घाटी हुई या कैसे नहीं पड़ा पड़ा। तो सबसे पहले विद्यार्थी आता है हमारा एक है, सबसे पहले हमारा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन एक व्यक्ति का नाम है, अंग्रेज है, चार्ल्स मेनन ने अपना ध्यान आकर्षित किया। 1826 में चार्ल्स मेनन था, घूमने आया था भारत में, तो उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जगह है, जैसे कोटपुतली है, फिर जयपुर है, दिल्ली, ऐसे ना। तो चार्ल्स मेनन घूमने आया था, तो उसने हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ ईंट के टीले देखे, उसने कुछ ईंट के टीले देखे और फिर कहा कि यार वहाँ पर कुछ ईंट के टीले हैं, तो वहाँ पर खुदाई करके देखो कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेनन ने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया, ध्यान आकर्षित किया, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया। किसने? चार्ल्स मेनन ने। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित करता था पहली बार। उससे पहले कभी नहीं पता चला कि यहाँ पर है, लेकिन चार्ल्स मेनन एक घूमने वाला व्यक्ति था, यात्री था, वो आया भारत में 1826 ईस्वी में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के आसपास की यात्रा करता है, तो वहाँ पर उसने कुछ गढ़ देखे, किले देखे। तो उसने पहली बार था कि वहाँ पर देखो यार क्या है, यहाँ पर तो गढ़ मिले हैं, तो कुछ है या नहीं इसमें। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेनन ने किया। उसके बाद मैं विद्यार्थी हूँ, उसके बाद मैंने आपको प्रवक्त पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 1818 में लाहौर व कराची के मध्य इसके बाद में 1853 ईस्वी में लाहौर से रावलपिंडी के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। विद्यार्थियों कई जगह लाहौर से रावलपिंडी आता है, लाहौर से रावलपिंडी, और कई जगह रावल से कराची आता है। तो इसमें है लाहौर से रावलपिंडी के मध्य है जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब 1853 में। और बर्टन बंधु दो भाई हैं, बर्टन बंधु में है एक का नाम है जॉन बर्टन और एक का नाम है विलियम बर्टन। ये दोनों भाई हैं जो इंजीनियर हैं। ये क्या है? इंजीनियर है रेलवे में। 1853 में रावल से रावलपिंडी के मध्य रेल लाइन बिछाई जा रही थी और बर्टन बंधु थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये इंजीनियर विभाग में रेलवे, वो इंजीनियर थे रेलवे विभाग में, पूरे लाइन बिछाने का काम चल रहे थे। अब उनको पत्थरों की आवश्यकता हुई, जैसे आज भी हम रेल पटरी को देखते हैं तो नीचे कंक्रीट होते हैं, लेकिन इनको पत्थरों की आवश्यकता हुई। यहाँ पर पूरा रेगिस्तान था इस लाहौर और रावलपिंडी वाले भाग में। जब लाहौर ये मिट्टी थी, धूल मिट्टी थी, तो कंक्रीट कहाँ से? तो पास में क्या गड्ढ था, उस गड्ढ को पाड़ पाड़ के ये लोग आए, ईंटों को उठाई और ईंटों से क्या रेलवे लाइन बिछा दी, ईंटों से रेलवे लाइन बिछा दी। और जो ही इन्होंने ईंटों से रेलवे लाइन बिछा दी विद्यार्थियों, तब उनको नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो उठा दी और कुछ मोहरें मिली, अवशेष मिली, उनको कलकत्ता भेज दिया गया है। तो दूसरी बात में पता चलता है कि हम जब बटन बंद है, जब रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तब इस हड़प्पा मोहनजोदड़ो की ईंटों को उठा उठा कर है, और जब रेलवे लाइन में कई काम लिया, और ईंटें विद्यार्थियों इतनी मजबूत थी
पत्थर टूट जाए लेकिन ये न टूटे क्योंकि पकी हुई थी, आग से पकी हुई ईंटें थी। और विद्यार्थियों जो समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इस सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास मिस्र की सभ्यता, नजरा फरात की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं हैं। लेकिन सबसे उन्नत सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये है यहाँ पर उस समय देखो आज से 4000 साल पहले ये लोग ईंट बनाना जानते थे और ईंट से ईंट को अग्नि में पकाना जानते थे। तो जो गढ़ बने हुए ईंटों से थे और मजबूत ईंटें थी, रेलवे लाइन को बिछाकर उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाकर काम किया। उसके बाद में आता विद्यार्थियों ये था कि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का कब ध्यान आकर्षित हुआ, 1824 में चार्ल्स मेनन एक पर्यटक था और इसने सिंधु घाटी सभ्यता के धौरों को देखा। उसके बाद में दूसरा है 1853 ईस्वी में है जो लाहौर से रावलपिंडी के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, पूरी रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उसमें दो भाई थे विलियम बटन और जॉन बटन, उन्होंने देखा क्या इस रेल लाइन के नीचे क्या दिया जाए। तो यहाँ पर उसने तो पास में कुछ धोरे थे एंड रेगिस्तान था, उसमें ये गड्ढ मिले, उन गड्ढों की ईंटें तोड़ तोड़ कर ये लोग रेल लाइन बिछाने का काम पूरा करते हैं। उस समय कुछ मोहरे मिलते हैं इन विलियम बटन और बंधु बटन को, जिनको कोलकाता संग्रहालय में ले जाकर रख देते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों आता है 1904 ईस्वी में है जॉन मार्शल आता है और विद्यार्थियों उस समय पुरातत्व विभाग का अधिकारी था, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल है जो भारत में आता है और क्या बनकर आता है, भारत में पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनकर आता है। विद्यार्थियों इस समय भारत में कौन था, लॉर्ड कर्जन इस समय भारत में वायसराय था। कौन सा, लॉर्ड कर्जन था। हालांकि पुरातत्व विभाग की स्थापना 1863 ईस्वी में हो जाती है, 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, इसकी पुरातत्व विभाग की, लेकिन सिर्फ स्थापना कर दी बाकी और कुछ हुआ नहीं, स्थापना नहीं करते हैं। 61 में इनकी स्थापना हुई थी और 53 में एक दक्षिण भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है, 1861 में, और 63 ईस्वी में उनको पहला एक मिलता है दक्षिण भारत में पलावर नामक स्थान पर, जो मैंने पाठ बताया ना कि पहला प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ वो ऐसे थे उसमें पात्र कंकण या जो आपके समझ में नहीं आती, उसमें पलावरम नामक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर व्यक्ति का यानी आदिवासी मनुष्य का पहला हथियार मिला था, उसको बोलते हैं हैंडएक्स। तो 1861 में है जो इस पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, इसकी स्थापना के बाद भी कोई अधिक रुचि नहीं है, लेकिन इसमें कर्नल जॉन मार्शल है जो 1904 में पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनकर आता है, और जब अध्यक्ष बनकर आता है तो अपने आप में क्या कुछ काम करता है, अर्थात जब अध्यक्ष बनकर आएगा तो कुछ खुदाई वगैरह कराएगा। तो 1904 में जॉन मार्शल बनकर आता है, लॉर्ड कर्जन उस समय वायस राय था, लॉर्ड कर्जन ने कहा आप अपनी बात की तरफ से करो। तब पहली बार 1921 में विद्यार्थियों राखल दास बनर्जी और 1922 ईस्वी में दयाराम सहानी के नेतृत्व में 1821 में है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, 1922 में तो है राखलदास बनर्जी ने मोहन जोदड़ों की खुदाई की और 1921 ईस्वी में है दयाराम सहानी ने हड़प्पा की खुदाई की। अब इनको मालूम है जॉन मार्शल है जो भारत में था 1904 में, इसने सर्वेक्षण किया कि भाई इस जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है यहाँ पर प्राचीन सभ्यता है। तो उसके बाद में 1921 में दयाराम सहानी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई होती है विद्यार्थियों, और 1922 में राखलदास बनर्जी खुदाई होते हैं, और ये दोनों सभ्यताएं अर्थात दो अलग अलग शहर थे विद्यार्थियों, दिल्ली और जयपुर, दिल्ली की खुदाई हो रही है और जयपुर खुदाई हो रही है, ये दोनों खुदाई होते दोनों शहरों की, और ये खुदाई जो दोनों सभ्यता समकालीन थी, दोनों सभ्यताएं एक जैसी थी विद्यार्थियों, समकालीन सभ्यता थी,
समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता थी कौन सी, मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की, अर्थात एक जैसी सभ्यता थी। 1921 में दायरा आपसे हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राजस्थान जिले में मोहनजोदड़ो की, तो सबसे पहले किसकी खुदाई की है, हड़प्पा की। तो इस सभ्यता का नाम क्या हो गया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले है हड़प्पा नामक स्थान खुदाई की, उसका नाम लिख दिया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में आप ध्यान दियो कि जो और इसके स्थान की धीरे धीरे खुदाई होती है, जैसे जैसे धीरे धीरे खुदाई होती है, तो जो प्राचीन भारत की नदी निकलती हुई ध्यान दियो, जिसका नाम हम ध्यान दियो सिंधु नदी, और सिंधु नदी के आस पास जो बहुत ज्यादा स्थल मिले, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि हड़प्पा ना करके सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया। ये भाई इसका नाम है जो हड़प्पा, तो एक जगह का नाम है और सिंधु नदी के आसपास में बहुत ज्यादा सभ्यता के केंद्र मिले, तो उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो कालांतर में आधुनिक जो खुदाई हो रही है, इसमें विद्यार्थियों सिंधु नदी के आसपास बहुत ज्यादा क्षेत्र मिले हैं, सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है उसके पास बहुत ज्यादा मिले हैं और मिले हैं। तो अब आधुनिक विद्वानों ने क्या कि इसका नाम बदल दिया सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। अर्थात सबसे पहले क्या मिला, हड़प्पा नामक स्थान मिला, दूसरा नाम लिख दिया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में और खुदाई और उत्खनन हुए, उसका नाम क्या है, सिंधु नदी के आसपास बहुत बड़े क्षेत्र मिले, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। और आखिर में चार विद्यार्थी मिलता है सिंधु सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। अर्थात सिंधु नदी के आसपास बहुत ज्यादा क्षेत्र मिला है और सरस्वती नदी के आसपास बहुत बड़ा क्षेत्र मिला है, तो वर्तमान सभ्यता का नाम है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, और इसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। वर्तमान में सबसे अधिक नाम इसका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरह से विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता हमारे समक्ष उजागर हुई। सबसे पहले है जो व्यक्ति है चार्ल्स मेनन है, वो जाता है 1826 में, उसने कुछ धोरों को देखा, धोरों को देखने बाद में वो कहता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ है, उसके बाद में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में आता है बटन बंद थे, विलियम बटन जब उसने रेलवे लाइन के चलने काम शुरू किया तो ट्रेन निकाल दिए, तब उन्होंने कहा कि कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कहा 1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना होते हैं, लेकिन इसने भी कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया। 1904 में जानवर सिंह भारत में इस पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनकर आता है, और जब बन कर आता है तो नया नया बनकर इसने कुछ खुदाई की। इनको मालूम था कि जब मानवर सिंह ने अपने विभाग में गए, मालूम पड़ा कि इसके आसपास बड़ी सभ्यता है, उस सभ्यता को उन्होंने क्या कि एक दयाराम सहनी है 1921 में, राघवदास बनर्जी दो विद्वान हैं, तो दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और राघवदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। और ये विद्यार्थियों उस समय विश्व की सबसे महान सभ्यता विद्यार्थियों, और 1927 में लंदन में एक वीकली नामक समाचार पत्र निकलता है, ये था। इसके बाद में है 1927 में, 1927 ईस्वी में लंदन में वीकली नामक समाचार पत्र में जॉन मार्शल ने कहा कि हम हिंदुस्तान में एक नई सभ्यता की खोज की है। विद्यार्थियों जब जॉन मार्शल ने खुदाई की, दो निकल गए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा निकल गए, दोनों एक जैसे थे, बहुत ही संपन्न थे और बहुत बड़े थे, तो 1927 में एक वीकली नामक समाचार पत्र निकलता लंदन में, तो उसमें इस जॉन मार्शल ने कहा कि हम हिंदुस्तान में एक नई सभ्यता की खोज की है। तो इस तरह से भारतीय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। विद्यार्थियों इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है, समझ गए विद्यार्थियों कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे विद्यार्थियों आज हम लोग हैं, आज हमारे यहाँ पर क्या है कि
के लगभग जयपुर जिला है, पूरा भारत है, कोई महामारी जैसे कोरोना महामारी थी इसमें अलग जाने गई है, लेकिन ज्यादा जाने नहीं गई थी, अधिक जाने चली गई। जैसे कि ऐसी महामारी है पूरी दुनिया खत्म हो जाए, उसमें कोई नाम मात्र बचे, उसके बाद में 1000-2000 साल में फिर नए लोग पैदा हो और धीरे धीरे फिर वो अपने जो सभ्यता पूर्णता से मिट्टी के नीचे दब जाए और वो फिर खुदाई करे तो वो कहें क्या रहा, पर तो एक महान सभ्यता रही होगी। इतना बड़ा क्षेत्र था, इतनी बड़ी मशीनरी थी, इतनी बड़ी ये मकान थे। ऐसे भी घर पे हो लगभग आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे जैसे लोग रहते, उन्नत व्यापार था, उन्नत जल निकासी थी, मकान की व्यवस्था थी, अर्थात एक समृद्ध सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। हमें कैसे पता चला, 1918-1926 में चार्ल्स मेसन घूमने जाता है, उसने कुछ खंडर देखे, खंडर देखने के बाद में एक बटन बंद हुआ 1853 में, वो रेल लाइन में बिछाते हैं, तब उन्होंने उस खंडरों से निकाले, तब उन्होंने पता चला कि यहाँ पर कोई लोग रहते थे। उन्होंने तो मकान अक्सर अपने कॉलेज है 4 मंजिला है, ये मिट्टी में दब जाए, मिट्टी में दबने के बाद में है वो लगभग 1000-2000-5000 साल में फिर लोग जैसे खुदाई करेंगे तो कहेंगे बड़ी संस्था रही होगी या फिर कोई कॉलेज या महाविद्यालय रहा होगा। सेम ऐसे ही जब वो खंडर निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई की, जब खुदाई करते हैं तो इस क्षेत्र को देखते हैं, उसके बाद में इसका विधिवत रूप से जब जॉन मार्शल है भारतीय पुरातत्व विभाग का अधीक्षक बन के आता है तब इनकी खुदाई होती है, तब ये गति पकड़ते हैं। दूसरा गलत करते हो इसका नामकरण में बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। पहला आप विद्यार्थी हो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, सबसे पहला आता है विद्यार्थी हो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि सबसे पहला यही नगर खोला गया था, सबसे पहले यही नगर खोजा गया था इसके द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद विद्यार्थियों आगे चलता है तो इस सिंधु सभ्यता का नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बहुत अधिक मात्रा में इनके स्थल खोजे गए। इनके सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले नामकरण हुआ है, पहले किसने ना हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले यही नगर खोजा गया, कौन सा हड़प्पा, और दयाराम साहनी ने खोजा जिसने सभ्यता का नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बाद में धीरे धीरे और खुदाई हुई तो जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास है, प्राचीन जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विद्यार्थियों आज भी अपने जो पुराने गांव है ना 1000 साल पहले बसे हुए, 500 साल पहले बसे हैं, उन गांव को देखना वो नदियों के किनारे बसे होते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे उनको पानी की आवश्यकता कुछ होती है, अपनी कृषि नदी से कर लेते हैं पीने का पानी, अपने पशुओं के लिए पानी, तो जितनी भी सभ्यता फली फूली इन नदी घाटों में फली फूली क्योंकि पानी की व्यवस्था उनके पास में पर्याप्त थी। तो सिंधु नदी के आसपास है बहुत अधिक मात्रा में इनके स्थल खोज गए तो इसको बोल दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक पॉपुलर है वो है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। ये क्यों हम ध्यानते हो सिंधु नदी सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि ध्यानते हो इसमें सिंधु नदी के आसपास बहुत स्थल मिले हैं और इनके अलावा जो सरस्वती नदी है वर्तमान में विद्यार्थियों हमारे अंदर विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी के आसपास भी बहुत अधिक स्थल मिले हैं, सिंधु नदी के आसपास बहुत ही ज्यादा स्थल मिले हैं, सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं। तो विद्वानों ने इतिहासकार ने ये किया कि इनको हड़प्पा कहना गलत होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहना गलत होगा और तो हमें सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से ये पूरी सभ्यता जानी जाती है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास अनेक क्षेत्र मिले, सरस्वती नदी के आसपास अनेक क्षेत्र मिले, इसके इसका नाम क्या है सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, इसका नामकरण है सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अब विद्यार्थियों इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं को हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, इस सिंधु नदी घाटी की विशेषताएं क्या है, कि क्या क्या विशेषताएं थी
सिंधु घाटी सभ्यताओं की। तो इनकी विशेषताएं हम विद्यार्थियों पढ़ते हैं कि क्या क्या विशेषताएं सिंधु नदी घाटी सभ्यता की, क्यों पॉपुलर हुई। तो उसमें सबसे पहला है, इसमें है लिपि मिलते विद्यार्थियों, सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, इसमें क्या मिलते हैं लिपि मिलती है, इसकी सिंधु संस्कृति सभ्यता की लिपि मिली। और लिपि कैसे विद्यार्थियों चित्रात्मक लिपि है, इस सिंधु नदी सरस्वती सभ्यता की घाटी की लिपि है विद्यार्थियों। और कौन सी लिपि है चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि है विद्यार्थियों। चित्रात्मक लिपि अर्थात चित्रों के माध्यम से अपने अक्षर को उकेरना, जैसे अपने चित्र होते ना, जैसे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसे चित्र अर्थात कुछ चित्र लिखे गए हैं उनको बोलते हैं चित्रात्मक लिपि। अर्थात आज विद्यार्थियों चाइना की लिपि है ना, चाइना की लिपि चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक लिपि क्यों है, क्योंकि चाइना में कहा होता है कि एक चित्र 10,000 शब्द उकेर सकता है, यानी कह सकता है। जैसे कि अब ये है, आप लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी मैंने चित्र नहीं बना रखा, लेकिन मैं जैसे कि एक नारी का चित्र, ये सॉरी किसी का भी चित्र बना दो ना, एक जैसे कि व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का मैं चित्र बना लेता हूँ। तो ये चित्र है, हमें 1,000 शब्द कह सकता है कि इसके हाथ ऐसे हैं, इसके पैर, इसके मतलब है, इसका मुंह है, इसके ऊपर चिंता है, ऐसे चित्रात्मक लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे विद्यार्थियों चित्रात्मक लिपि है। लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन लेकिन यह लिपि, लेकिन यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये लिपि विद्यार्थियों अभी तक पढ़ी नहीं गई है। विद्वान हालांकि विद्वान लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस लिपि को पढ़े, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी जानकारी मिलती है हमें इसके अवशेषों के आधार पर मिलते हैं, पुरातत्व के माध्यम से मिलती है। इसकी जो लिपि है चित्रात्मक लिपि है और अभी तक पढ़ी नहीं गई है ये लिपि। ये लिपि है एक है, इस लिपि के बारे में कुछ बातें हैं, ये एक लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दूसरा इस लिपि के बारे में, इसमें है ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी विद्यार्थियों, लिखी जाती थी। जैसे अपना सर्प होता ना, सर्प चलता है ऐसे सर्पाकार में, सर्पाकार में जैसे सर्प चलता है ऐसे विद्यार्थियों लिपि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिख देते हैं, सर्प के आकार में ऐसे लिपि लिखी जाती थी। जैसे सब चलता है सेम सब की चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, सर्पाकार लिपि है। किन पर मिली है विद्यार्थियों, किन पर लिपि मिली है, मुहों पर, मृदभांडों पर, मृदभांडों पर, मुहरों पर, मृदभांडों पर, और एक है शिलालेख पर। अर्थात एक लेख मिला है विद्यार्थियों, इस सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा में एक लेख मिला है, उस लेख के ऊपर लिपि लिखी गई है, मुहर पर लिखे गए, मृदभांडों पर लिखे गए, शिलालेख पर लिखे गए, किसकी सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर। एक इसका सबसे लिखित है धोलावीरा का अभिलेख, धोलावीरा का अभिलेख, अभिलेख सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धोलावीरा का अभिलेख, सबसे बड़ा धोलावीरा का अभिलेख सबसे बड़ा लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। विद्यार्थियों हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसकी लिपि की चित्रात्मक लिपि है, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये बाईं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है, सर्पाकार है जैसे मस्तक चलता है उसके आकार पे है, किनके ऊपर ये लिपियां मिली है, मोहरों के ऊपर मिली है, मृदभांडों के ऊपर मिली है, शिलालेख के ऊपर मिली है, और शिलालेख में जाते हो धोलावीरा विद्यार्थी गुजरात में है, और इस धोलावीरा में स्टेडियम मिला है, बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है, विशाल स्टेडियम मिला है धोलावीरा में। धोलावीरा अभिलेख है जो सबसे बड़ा है लिखित साक्ष्य मिला था, एक अभिलेख है धोलावीरा का अभिलेख सबसे बड़ा लिखित साक्ष्य है जिसका सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें बहुत बड़ा शिलालेख मिला है जो हमें इनकी मिलती है। इसको पढ़ने का प्रयास, पढ़ने का
प्रयास, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास ने किया है फादर हेरास ने, फादर हेरास ने किया है, अर्थात सबसे पहले इस लिपि को किसने पढ़ा है, फादर हेरास ने, और वो कहता है कि तमिल, ये तो है जो तमिल लिपि के समकालीन, अर्थात तमिल के बाद में लिखी गई है, फादर हेरास ने कि इस लिपि को पढ़ा दिए तमिल है। उसके बाद में पढ़े तो धनपत राय है, धनपत राय, उसने भी इस लिपि को पढ़ने की कोशिश करके, ये भारतीय विद्वान है। इस तरह से और एक है नीलकंठ बनर्जी, नीलकंठ बनर्जी, नीलकंठ बनर्जी, ये नीलकंठ बनर्जी कहते हैं ये द्रविड़ भाषा का अपभ्रंश है, अपभ्रंश अर्थात ये लिपि है जो द्रविड़ भाषा से निकली है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता है पढ़ रहे हैं, विशेषता में सबसे पहले लिपि आती है हमारी चित्रात्मक लिपि, विद्यार्थियों ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं है, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया, फादर हेरास ने, तो फादर हेरास ने कहा कि ये तमिल भाषा की है, धनपत राय ने इसे पढ़ने की कोशिश की, ये अपनी हिंदी भाषा की बताता है, वो जो नीलकंठ बनर्जी है वो कहता है कि ये द्रविड़ भाषा से बनी हुई है। उसके बाद ये लिपि कैसे लिखी गई है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है, सर्पाकार सर्प चलता है ऐसे ही सर्पाकार, किन पर मिली है, मोहरों पर मिली है, मुद्रणों पर मिली है और शिलालेख पर मिली है। और विद्यार्थियों इस लिपि का सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है धोलावीरा में एक अभिलेख मिला है जिस पर यह अंकित है। तो इस तरह से ये लिपि है, हमें लिपि का पता चलता है। उसके बाद दूसरा आता विद्यार्थी हमारे पास में औजार, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से औजार थे और उन लोग कैसे कैसे औजारों का प्रयोग करते थे, जो विशेषताएं आ रही है विशेषता हमने लिपि पढ़ी। उसके बाद में अब हम पढ़ते हो औजार, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग कैसे कैसे औजारों का प्रयोग करते थे विद्यार्थियों, तो तीन प्रकार के विद्यार्थियों, एक तो आता विद्यार्थी हो कांस्य, एक आता विद्यार्थी हो ताम्र और एक आता विद्यार्थी हो प्रस्तर, प्रस्तर औजार। विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता में तीन धातु के औजार मिलते हैं, तीन प्रकार के औजार मिलते हैं, कांसे यानी कांसे के औजार मिलते हैं विद्यार्थियों, जो हमारा कांसा होता ना इस कांसे के औजार मिलते हैं, दूसरा हमारा तांबे के औजार मिलते हैं, जो हमारा तांबा है ना उसमें, प्रस्तर यानी पत्थर के औजार मिलते हैं, तीन प्रकार के औजार हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलते हैं विद्यार्थियों, कांसा कांसे में तांबे में कांस और टिन मिलाया जाता है, जैसे क्या बोला जाता है कांसा, तांबा विद्यार्थियों एक नरम वस्तु है, जैसे कि तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, आप तांबे कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काट सकती क्योंकि तांबा नरम आता दे वो बैठ जाएगा, उसमें नई धातु बनाई टिन और टिन को मिला क्या बना दिया कांसा, कांसा मजबूत होता था और ये लोग काटते थे। और एक आता विद्यार्थी हो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विद्यार्थी हो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित, लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विद्यार्थी हो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, ये सब तीन बनाते थे कांसे को तांबे को और पत्थर, ये तीन प्रकार के ये लोग औजार बनाते थे, इन्होंने है तीन प्रकार के औजार बनाए। उसके बाद में आता है ये औजार की बात हुई कि औजार किन किन धातु के बने हुए थे, कांसे के तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन बनाकर क्या बनाया जाता था कांसा बनाया जाता, फिर बाद तांबे और बाद में पत्थर, इन लोहे से परिचित थे, इन तीन वस्तुओं से हमारे यहाँ पर क्या बनते थे औजार बनते थे। उसके बाद में आता विद्यार्थी हो नगर नियोजन, उसके बाद में हमारा आता है नगर नियोजन, ये विद्यार्थी नगर नियोजन हम कल पढ़ते हैं विद्यार्थी। इसके बाद में ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता चल रही है, इन विशेषताओं में धीरे धीरे आएंगे, फिर नगर नियोजन कैसे थे, इनके नाली की व्यवस्था कैसे थी, उनको कल पढ़ेंगे, नगर नियोजन बड़ा विषय।